नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बापजी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड में। समय आपके साथ में दिव्या अठवाल और आप सभी लोग देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। जैसे कि आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में यातायात की स्थिति को सुधारने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई भी निश्चित कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है जो कि ग्वालियर का है, जहां पर यातायात की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है जिसको सुधारने को लेकर यानी कि कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक जो कि सड़क पर उतर चुके हैं, वहीं सड़क पर उतर कर वे यातायात को नियंत्रित करने का काम भी कर रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पांच अलग अलग देशों की वास्तुकला को प्रदर्शित करती ऐतिहासिक इमारतों को सहेजे ग्वालियर का महाराज बाड़ा शहर का प्रमुख व्यापारी केंद्र भी है। शहर के लोग यहां पर खरीदारी करने आते हैं, यही कारण है कि यहां पर यातायात का दबाव बहुत ही अधिक रहता है और व्यवस्था बिगड़ी रहती है। रविवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महाराज बाड़े से निकल ही रहे थे, लेकिन भीड़ के चलते वहां पर फंस गए। हालात देखकर उन्होंने कलेक्टर कौशलेश विक्रम सिंह और एसपी अमित सांगी को फोन कर हालात की जानकारियां भी दी गई और खुद गाड़ी से उतर कर यातायात को नियंत्रित करने लगे हैं। विधायक द्वारा यातायात नियंत्रित करने की जानकारी मिलते ही महाराजवाड़ा पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी भी यातायात व्यवस्था करने लगे। विधायक प्रवीण पाठक ने करीब 2 घंटे तक यातायात को नियंत्रित किया है, उसके बाद वे वहां से निकल गए।